शादी से पहले त्रिनेत्र गणेश मंदिर पहुंचेंगे कैटरीना विकी, लेंगे भगवान का आशीर्वाद। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। 6 दिसंबर को ये कपल परिवार के साथ राजस्थान के सवाई माधोपुर के सिक्स सेंसेस बरवाड़ा फोर्ट में पहुंचा है। खबरें हैं कि कल 7 दिसंबर को विकी और कैटरीना की संगीत रात थी। कैटरीना और विकी कौशल अपनी जिंदगी के एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें रणथंभौर के मशहूर त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाकर आशीर्वाद लेने की सलाह दी गई है। भगवान गणेश का ये मंदिर रणथंभौर में 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और बेहद प्राचीन है। रिपोर्ट के मुताबिक सवाई माधोपुर और रणथंभौर के रहने वाले लोगों ने सलाह दी है कि विकी कौशल और कैटरीना कैफ को त्रिनेत्र गणेश भगवान का आशीर्वाद लेने जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में रोजाना हजारों शादियों के कार्ड आते हैं और फिर उन सभी कार्ड को त्रिनेत्र गणेश भगवान के चरणों में रखकर आशीर्वाद लिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक त्रिनेत्र गणेश मंदिर में विकी कौशल और कैटरीना कैफ की तरफ से शादी का कार्ड नहीं भेजा गया था, तब वहां के लोगों ने उन्हें इसकी जानकारी दी और महत्व बताया। तब कपल के साथ साथ उनके परिवार वालों को बताया गया कि उन्हें भगवान गणेश के दर्शन कर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। विकी कौशल अपनी शादी में या फिर मेहंदी या संगीत की रस्म में शेरवानी पहनने वाले हैं। ये शेरवानी क्रीम कलर की होगी। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिनमें एक शख्स विकी कौशल की शेरवानी को ले जाता दिख रहा था। बाहर शेरवानी पर विकी के नाम का टैग लगा था। तस्वीर में शेरवानी के कलर की हल्की सी झलक भी मिली। विकी और कैटरीना कैफ की शादी के लिए अब फिल्मी सितारों ने भी उड़ान भरनी शुरू कर दी है। 6 दिसंबर को जहां विकी और कैटरीना अपने परिवार के साथ राजस्थान रवाना हुए, तो वहीं अब एक्ट्रेस नेहा धूपिया अपने पति अंगद बेदी संग विकी कैट की शादी में शामिल होने के लिए मंगलवार राजस्थान के लिए रवाना हुए। इस दौरान दोनों को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। नेहा धूपिया और अंगद बेदी के अलावा बॉलीवुड डायरेक्टर कबीर खान भी अपनी फैमिली के साथ विकी और कैट की शादी में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। इस दौरान कबीर खान काफी खुश नजर आए।